बस्तर जिले में 28 जनवरी को हुए प्रथम चरण के चुनाव में कई बूथों के मतदान दलों को मतगणना के दौरान धांधली किए जाने के आरोप लगे हैं और ग्रामीणों ने मतदान दलों पर पैसे लेकर कुछ प्रत्याशियों को चुनाव जिताने का आरोप लगाया है और इसी पूरे मामले की शिकायत करने को लेकर सैकड़ों ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे। मांगे पूरी नहीं होने पर नेशनल हाईवे 30 जाम करने की चेतावनी भी इनके द्वारा दी गई है। इस मांग को लेके और इनका कहना है कि अगर ये मांग पूरी नहीं की जाती तो शासन की सारी योजना को ये छोड़ देंगे और आने वाले समय में नेशनल हाईवे का भी चक्का जाम करेंगे और जो भी हो सकता है वो करने के लिए सारे लोग तैयार हैं। ग्राम पंचायत खुटपदर से सरपंच प्रत्याशी तिलोत्मा कश्यप के साथ में करीब 20 लोग आए हुए थे अभी ज्ञापन देने। इनके द्वारा पंचायत निर्वाचन में अनियमितता के कारण पुनः निर्वाचन करने बाबत आवेदन दिया गया है। आशुतोष तिवारी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। आशुतोष, क्या कुछ लापरवाही अनियमितताएं पाई गई हैं क्योंकि यहाँ पे चुनाव पूरी तरह से प्रभावित किए जाने और धांधली किए जाने के आरोप लगे हैं, क्या कार्रवाई हुई अब तक? देखिए, जिस तरीके से जो ग्राम पंचायत है वहाँ पर काउंटिंग हुआ, काउंटिंग होने के बाद जिस तरीके से धांधली हो रही थी और जो ग्रामीणों का आरोप है, जो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जो वहाँ पर कर्मचारी थे, पीठासीन अधिकारी थे, उन्होंने पैसा लेकर और उस जो प्रत्याशी है उसको जिताया है और हमारे साथ ये अन्याय हुआ है और वही इसी बात को लेकर जो जगदलपुर ऑफिस है वहाँ पर कम से कम 400 ग्रामीण पहुंचे हुए थे अपनी मांगों को लेकर कि अगर दोबारा वहाँ पर मतदान नहीं करवाया गया तो हम हाईवे पे चक्का जाम करेंगे और शासन प्रशासन की जितनी भी योजनाएं हैं उससे हम दूर हो जाएंगे और अगर दोबारा मतदान नहीं करवाया जाता तो हम बड़ी संख्या में यहाँ पर विरोध करेंगे। लेकिन अभी तक प्रशासन का यहाँ पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिख रहा है। हम जब अपर कलेक्टर से हम जब बात करने गए थे उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इसकी जांच की जाएगी, जो हारा हुआ प्रत्याशी है वो अपने पक्ष यहाँ पर रख रहा है लेकिन दोनों पक्ष को सुनने के बाद हम यहाँ पर निर्णय लेंगे और जाँच के बाद ही जो भी यहाँ पर लापरवाही हुई है, चाहे कर्मचारी की लापरवाही हो या फिर जांच कमेटी बनाई जाएगी और कितने सदस्यों की जांच कमेटी रहेगी, किन बिंदुओं के आधार पर जांच की जाएगी, कुछ जानकारी मिल पा रही हो? देखिए, जब हमने बात की थी अपर कलेक्टर, क्योंकि जब ज्ञापन सौंपने आए हुए थे ग्रामीण, उस वक्त जो जगदलपुर कलेक्टर हैं वो मौजूद नहीं थे तो अपर कलेक्टर को यहाँ पर ज्ञापन सौंपते हुए ग्रामीणों ने अपना जो बात है वो रखा और उसके बाद से जो अपर कलेक्टर हमारे हमसे जानकारी देते हुए उन्होंने ये कहा कि हम जाँच टीम बनाएंगे और जाँच टीम के आधार पर किन बिंदुओं पर जांच होगी इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। लेकिन अभी तक अधिकारियों की बात की जाए तो अभी तक अधिकारी भी ये नहीं स्पष्ट कर पा रहे हैं कि कब जांच होगी, क्या टीम बनाई जाएगी। अब तक इस मामले को ठंडे बस्ते में डालते हुए दिख रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो पीठासीन अधिकारी हैं उनकी लापरवाही से इस तरीके से हुआ है और ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं इसका, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है और पूरे के पूरे एक प्रत्याशी के लिए गांव वाले को उठकर आ जाना ये बिल्कुल जाहिर कर रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर चूक हुई है और कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है जिसके कारण प्रत्याशी को जीत हासिल हुआ है। इस मामले को लगातार विरोध करते यहाँ पर नजर आ रहे हैं ग्रामीण। अधिकारी जांच कमेटी बनाने की बात की कर रहे हैं लेकिन कब बनाई जाएगी इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।